बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मुंबई में चलती कार में महिला से गैंगरेप हुआ है। वारदात धारावी इलाके की है। महिला एक कॉल सेंटर में काम करती थी। इनोवा गाड़ी में महिला के साथ गैंगरेप हुआ है। ये घटना धारावी इलाके की है। आपको ये भी बता दें कि ये घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है। अब बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई जिसे माना जाता है कि वो महिलाओं के लिए सेफ सिटी है, और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है शक्ति मिल्स के बाद। अब ये धारावी का मामला सामने आया है, जहां कॉल सेंटर में ये महिला काम करती थी। रात की घटना बताई जा रही है, मंगलवार रात की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक चलती इनोवा गाड़ी में इस महिला के साथ गैंग रेप किया गया है। चार लोगों पर महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि लिफ्ट देने के बहाने महिला से गैंगरेप किया गया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। पूरी घटना धारावी इलाके की है, मंगलवार रात की है ये पूरी घटना। हमारे साथ अभिषेक फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। अभिषेक, क्या किया है पुलिस ने, क्या कार्रवाई की है, चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है या नहीं? अरे देखिए आजल, अभी तक चार आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। चार लोगों ने गैंगरेप की घटना जो है धारावी के एरिया में सामने आई है। बकायदा ये चलती कार में यानी इनोवा कार में करीबन 10:15 बजे की घटना है रात में, उस दौरान ये घटना हुई है। और दो आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। दो आरोपी जो मेन आरोपी जिसके ऊपर मुख्य आरोप जो लड़की बता रही है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन दो आरोपी जो और हैं वह अभी भी फरार हैं। लेकिन पुलिस को यह पता चल गया है कि दो आरोपी और कौन है, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा पुलिस दावा कर रही है। और अभी पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार क्या और वजह हो सकती है। लेकिन पुलिस ने इस बात की भी पुष्टि की है कि लड़की और जो लड़की जिन लोगों ने रेप किया है ये एक दूसरे को जानते थे, यानी जान पहचान वाले ही लोगों की वजह से जो लिफ्ट दिया कार में वो इनोवा कार में बैठी थी, उसके बाद ही गैंगरेप की घटना हुई है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक, शुक्रिया।